रायपुर पुलिस छापेमारी कर करीब 200 अवैध गैस सिलेंडर जब्त पुलिस ने किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजधानी बड़े पैमाने पर अवैध सिलेंडरों का कारोबार हो रहा है, पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लीलावानी चौक के पास जनरल स्टोर पर छापे मार कर बड़ी संख्या में अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए। पुलिस ने जब आरोपी से सिलेंडर के दस्तावेज मांगे तो आरोपी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। जानकारी के मुताबिक ये गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत गांव से खरीदे गए हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सीताराम अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चौक में सीताराम अग्रवाल जी की दुकान एक है जो कि जनरल स्टोर की तरह दुकान चलाते हैं, तो वहाँ पर छापेमारी करी। उस छापेमारी में तकरीबन अराउंड 200 सिलेंडर्स जो थे वो ब्लैक के सिलेंडर्स पाए गए। ब्लैक की पुष्टि ऐसी हुई कि हम जब उनसे दस्तावेज मांगे तो उनके पास कोई दस्तावेज था नहीं, तो उन 200 सिलेंडर्स को हमने जब्त कर लिया। और साथ ही साथ जो आग की जो कार्रवाई थी वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के तहत की जा रही है। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके आगे जो भी लिंकेजेस हैं, क्योंकि और भी शायद बड़े पैमाने पर चल रहा है ऐसा काम, तो उसको भी ट्रैक किया जाए।